हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों? आज फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल टेक्नोलॉजी में, और मैं दीपक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपको आज एक वीडियो देने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको कौन सी टच सेपरेटर मशीन लेनी है, उस टच सेपरेटर मशीन की पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको देने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। और आपको एक टच सेपरेटर मशीन कौन सी लेनी है, कौन सी बेस्ट है आपके लिए, और किस तरीके से आप उसको यूज़ एंड फाइंड कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो आइए चलें। दोस्तों, आप देख सकते हो इसका एम ट्रेंगल, ठीक है, एम ट्रेंगल है। इसका मॉडल नंबर है CP021A, ठीक है। गौर से देखना, मैं आज ही मार्केट से इसको परचेस करके लाया हूँ, गफ्फार मार्केट करोल बाग से, दिल्ली से। ये क्या करती है, वैक्यूम एलसीडी सेपरेटर मशीन है, ठीक है। इससे हम मोबाइल को फ्रेम के फोल्डर को मोबाइल से बाहर निकालने में काम आता है। प्लस हम किसी भी प्रकार की फोल्डर की ग्लास को उससे अलग करते हैं, उसमें भी ये काम आता है। ये 7 LCD स्क्रीन मशीन हो, नोट हो, टैबलेट हो, उसका इसका साइज होता है, उस तक इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये इसकी आउटपुट वोल्टेज है 300 वोल्ट, और ये वोल्टेज AC 110 और AC 220 वोल्टेज, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको इसकी आज अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। एम ट्रेंगल CP021A, ठीक है। वैक्यूम LCD सेपरेटर मशीन, ठीक है। ये मेड इन चाइना है, ठीक है दोस्तों। इनकी कोई वारंटी नहीं होती है, बट ये ख़राब नहीं होती, ठीक है। एम ट्रेंगल टेक्नोलॉजी सुपराइज्ड, ठीक है, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनकी टेप्स को काट लेते हैं, इसको आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैं आपको खोल के इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें हमको जो मिला है वो है यूज़र मैनुअल, ठीक है। इस यूज़र मैनुअल का क्या करते हैं हम, इसमें हम पढ़कर देख सकते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। जैसे कि स्पेसिफिकेशन, इंस्टॉलेशन स्टेप 2, किस प्रकार से इसमें वोल्टेज इन करनी है, किस प्रकार से इसको यूज़ करना है, आप ये सब कुछ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, यूज़र मैनुअल आप पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैं आपको वीडियो में कंप्लीट नॉलेज दूंगा। ये वायर है जिसमें एक साइड से हम इसमें मशीन में इसको डालेंगे, दूसरी साइड इसको AC में लगाएंगे, ठीक है। प्लस हमको ये मशीन है, ठीक है, इसके साथ ये पैड मिला है जो कि इसके ऊपर रखकर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही नरम होता है और हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है जिससे हमारी बॉडी, ठीक है, हीट होने से किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, और सेपरेटिंग करने में इसकी वैक्यूम में किसी मतलब एक ढंग से खिंचाव कर पाए, ठीक है। तो हम इस मशीन को निकाल लेते हैं आप सभी लोगों के साथ सामने, ठीक है। हमने ये मशीन आपके सामने निकाल लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये एक खाली खोखा है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये पैड को हम ले लेते हैं, ये हमको काम आए, ठीक है। अब आप इस दोस्तों इस मशीन में देख सकते हो, ठीक है। मशीन में क्या देखना है, ये सामने का फ्रंट है, ठीक है, देख सकते हो। इसमें हम ये सेट के बटन को दबाकर हीटिंग को कम या ज़्यादा इन दोनों बटनों से कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट, इससे वैक्यूम स्टार्ट होता है और बंद होता है, ठीक है। ये इसका पैनल है जिसमें हम मोबाइल को धरते हैं, ये 7 इंच का होता है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊं तो इसमें सिंगल एलिमेंट लग रहा है, जो कि मैं आपको इसके साइड से दिखाऊंगा तो ही आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो एलिमेंट लग रहा है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ये जो लग रहा है, ठीक है, ये इसको गर्म करता है, ठीक है। सिंगल एलिमेंट लग रहा है, बट ये डबल इसको अच्छा हीटिंग कर देता है। इसके साथ में ये हमको एक ऑन ऑफ ऑफ का स्विच मिलता है, और जिसके साथ हमको ये केबल अटैच करनी है वो यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आपको अटैच करके दिखा देते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये केबल हमको इसमें अटैच करनी है, ठीक है। तो ये केबल है, ठीक है, इस केबल को हमको इस तरीके से इसमें, ठीक है, फुल एंड फाइन अटैच कर देना है, ठीक है।
अटैच करने के बाद दोस्तों हमको इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए हमको इसको एसी बोर्ड में लगाना होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया था कि इसमें बैक पैनल पे आपको ये ऑन ऑफ स्विच का स्विच मिलता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो आवाज़ सुन सकते हैं आप सभी दोस्त, ठीक है। ये देखिए ये स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये मैक्सिमम 30, 40, 60 कभी कभी होती है। जैसे कि अब हम आपको सेट का बटन दिख रहा है, आपको ये सेट का बटन इसको दबाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम इसकी वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वहीं पर ही रुकनी चाहिए जहाँ पर हम इसको सेट करते हैं, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको 90 पर सेट कर देते हैं तो हम सेट वाला बटन दबा देते हैं, तो ये जाकर 90 पर ही रुकेगी, ठीक है। तो ये मशीन हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। और जब कभी भी हम मोबाइल को फोल्डर को इसमें लगाते हैं, ठीक है, तो हम इसका पैड का ज़रूर यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में प्लस में जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी मोबाइल को धरने से पहले, जैसे ये मोबाइल है, ठीक है, इसके फ्रेम को हमको हीट करना होता है, ठीक है। तो वैसे तो हॉट एयर गन से करते हैं लोग बाग, लेकिन इससे वर्क एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर तरीके से हीटिंग इसको मिल पाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम वैक्यूम की। तो वैक्यूम जैसे बटन हमने आपको ये बताया था, देखो ये, ठीक है। तो इसको प्रेस करेंगे तो ये देखो वैक्यूम चल चुका है, देख आप देख सकते हो, ठीक है। इसको खींचने से ये खींचता नहीं है, ठीक है, बहुत ही मतलब, ठीक है, क्योंकि ये वैक्यूम जब काम आता है, जब हम फोल्डर को डिसेंबल करते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। हम इसको अब कर देते हैं बंद, ठीक है। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये देखिए ये हट चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम मोबाइल्स को इस पर रख कर आराम से हीट करते हैं, ठीक है, जब तक ये फुल एंड फाइन फुल अपनी उस पर ना हो जाए, ठीक है। देखो जैसे दोस्तों ये अब हमारे सामने 90 पर स्टॉप हो चुका है हमारे सामने, ठीक है। तो हम जैसे अब इसका एक बार वैक्यूम आपको फिर दोबारा स्टार्ट करके दिखाते हैं, तो जैसे देखो ये फ़ोन बिल्कुल चिपक गया, ठीक है, डिस्को है ना, इसलिए ये थोड़ा स्टिक दिखा दिया। तो ये वैक्यूम होता है, इससे हम फोल्डर को इस तरीके से फ्रेम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसकी फुल एंड फाइन वीडियो थी, ठीक है। इससे हम वैक्यूम को बंद कर देते हैं, आप देख सकते हैं 90 पे ये आपके सामने रुकी हुई है। और कोई भी आपका इस मशीन से संबंधित कोई भी सवाल हो, किस प्रकार से इसको यूज़ करना है, क्या करना है, प्रैक्टिकली क्या करना है, किस तरीके से आपको ये क्या करना है, ठीक है, इसका वैक्यूम के बारे में, इस मशीन का प्राइस के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने परचेस करी है। वैसे रेट बताना सही नहीं मानते हैं लोग बाग, लेकिन मैं आपको इसका रेट बता सकता हूँ। ये मैंने 2400 रुपये की मार्केट से परचेस की है, सिंगल एलिमेंट में है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया वर्क करती है, बहुत ही बढ़िया हीटिंग करती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस टेक्नोलॉजी चैनल पर, रियल टेक्नोलॉजी चैनल पर।